हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग में आपको हर लैंग्वेज में मिलता है। इट्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स, या फिर इसको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। अगर आपने पहले कभी भी प्रोग्रामिंग की होगी किसी भी लैंग्वेज में, तो शायद आपको पता होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स कब और कहाँ यूज किए जाते हैं। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, और मैं आपको स्क्रैच से बताता हूँ कि कब आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आपका प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। बट कभी कभी ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि आपके प्रोग्राम में ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग का मतलब होता है आपका लॉजिक किसी पॉइंट में आके एक डायरेक्शन में जा सकता है या फिर दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। उस पॉइंट पे जहां पे ब्रांचिंग होता है, वहीं पर आपको लगाना होता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स से आप यूजर को लॉग इन करवा रहे हो। ठीक है, अब यूजर जब लॉग इन करता है तो उस पॉइंट पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि यूजर अपना क्रेडेंशियल्स सही से प्रोवाइड करे, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि उसने अपने क्रेडेंशियल्स में कुछ गड़बड़ किया। या तो उसने ईमेल गलत बताया, या तो पासवर्ड गलत बताया, या दोनों गलत बताया। ये जो दो पॉसिबिलिटीज हैं, इन दोनों के लिए आपको अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा और आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा। अगर उसने अपने क्रेडेंशियल सही से बताए, इफ क्रेडेंशियल्स आर प्रोवाइडेड करेक्टली देन गिव हिम द प्रोफाइल पेज, एल्स गिव हिम एन एरर पेज, राइट? तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल वेयर यू कैन पुट एन इफ एल्स स्टेटमेंट। एंड गेस वॉट, ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है प्रोग्रामिंग में, इतना ज्यादा यूजफुल है कि आप कुछ दिनों के बाद विदाउट इवन थिंकिंग इसको यूज करने लग जाओगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हो आप पाइथन के अंदर। ठीक है, हम एक छोटा सा डमी लॉग इन ऐप बनाएंगे, और उस लॉग इन ऐप में हम यूजर से उसका ईमेल और पासवर्ड मांगेंगे। ठीक है, हम पहले से मान के बैठेंगे कि सही ईमेल है campusx@gmail.com और सही पासवर्ड है 1234। इसके अलावा अगर यूजर मुझे कुछ भी और देता है तो मैं उसको एरर मानूंगा। ठीक है, और अगर वो मुझे एग्जैक्टली यही क्रेडेंशियल्स देता है तो मैं मानूंगा कि सच में सही दिया, और मैं उसको वेलकम बोलूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस कोड। हम लोग एकदम स्क्रैच से कोड लिखते हैं, सिंस यहाँ पे कोई हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करना है, कोई वॉइड मेन फंक्शन नहीं है। जो सबसे पहला काम आप करोगे वो होगा आप यूजर से क्रेडेंशियल्स मांगोगे। आप इनपुट फंक्शन यूज करोगे, आई जस्ट जूम इट। हम उसे बोलेंगे अपना ईमेल बता, राइट? और जो भी वो ईमेल हमें बताएगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे बाय द नेम ऑफ ईमेल। देन विल ऑल्सो क्रिएट अ वेरिएबल पासवर्ड, जिसमें हम उससे मांगेंगे अपना पासवर्ड भी बता। राइट? तो इन दो लाइंस में हमने मेक श्योर कर लिया कि यूजर के क्रेडेंशियल्स हम अपने पास ले आए। बाय द वे, मैं यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं कि जो हमारा करेक्ट ईमेल है वो है campusx@gmail.com, और जो करेक्ट पासवर्ड है वो है 1234। दोनों स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना होगा। इस पॉइंट पे मेरे पास करेक्ट ईमेल पासवर्ड भी है, और मेरे पास जो यूजर ने टाइप किया वो भी है। अब बस मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, और ये काम मैं करूंगा इफ स्टेटमेंट के अंदर। सो आई वुड राइट इफ, और उसके बाद जनरली आप किसी और लैंग्वेज में ब्रैकेट्स लगाते हो, बट पाइथन में ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट उतना है नहीं। तो आप यहां पे लिखोगे इफ ईमेल इज इक्वल टू campusx@gmail.com। हम पूछ रहे हैं क्या ईमेल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, जो यूजर ने मुझे दी है, क्या वो इसके बराबर है। ये तो हमने ईमेल चेक कर लिया। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि उसका पासवर्ड सही है कि नहीं, क्योंकि सोच के देखो गाइस, आप लॉग इन कब दोगे जब ईमेल और पासवर्ड दोनों सही होगा, राइट? तो इसलिए आप यहां पे एंड ऑपरेटर लगाओगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और आप लिखोगे पासवर्ड इज इक्वल टू 1234। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आप कोलोन दोगे, इंडेंटेशन लगा करके आप जो भी करना चाहते हो आप वो आप यहां पे लिखोगे। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम सिंपली उसको बोलना चाहते हैं वेलकम। ठीक है, और एल्स एल्स यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एल्स हमेशा
इफ के ठीक नीचे आता है, ठीक है, हमेशा वर्टिकली ठीक नीचे आएगा, और एल्स में आपको कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, जो भी इफ में नहीं आता वो ऑटोमेटिकली एल्स में आता है, ठीक है। सो अगर ईमेल गलत हुआ या पासवर्ड गलत हुआ या इन दोनों में से कोई भी चीज गलत हुई तो आप ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाओगे, और यहां पे हम प्रिंट करेंगे इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स एंड दिस इज आवर कोड गाइस। एक बार मैं आपको ये रन करके दिखाता हूं, मैं पहले कुछ गलत डाल रहा हूं, ठीक है, मैंने पहले कुछ गलत डाला और मैंने पासवर्ड भी गलत डाला, एंटर मारा, यू कैन सी द आउटपुट इज इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। अब मैं आपको सही क्रेडेंशियल्स डाल के दिखाता हूं, campusx@gmail.com 1234 एंड यू कैन सी नाउ इट्स गिविंग मी वेलकम। तो बहुत ही सिंपल होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। बस कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाना चाहता हूं। सो लेट्स से आपने ये कोड लिख करके अपने मैनेजर को दिया और आपने बोला मेरा काम हो गया सर, बट आपका मैनेजर ने बोला कि नहीं इसमें एक इम्प्रूवमेंट चाहिए। और वो इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपका मैनेजर चाहता है कि जब आपका यूजर सही ईमेल बताए बट गलत पासवर्ड बताए, इन दैट केस आप उसको एक और चांस दो पासवर्ड बताने का। फिर से सुनना, हम चाहते हैं कि अगर यूजर ईमेल सही से बता रहा है बट पासवर्ड गलत बता रहा है तो हम उसको एक और चांस देंगे पासवर्ड बताने का, ठीक है। हम उससे फिर से पूछेंगे पासवर्ड बताओ, और सेकेंड टाइम अगर वो पासवर्ड सही से बताता है तो हम वेलकम बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको फिर से बताएंगे एरर है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ कि अभी तक आपके पास दो केसेस थे, या तो सही या तो गलत, अब आपके पास एक थर्ड केस आ गया पार्शियली सही। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो आप ब्रांचिंग होगी ना वो सिर्फ दो ब्रांचेस नहीं होंगे, तीन ब्रांचेस हो जाएंगे, चार ब्रांचेस हो जाएंगे, 100 ब्रांचेस हो जाएंगे, राइट। इन दैट केस आपको एक चीज यूज करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं एल्स इफ, ठीक है। ये थर्ड केस बनता है, इफ पहला केस होता है, एल्स सेकेंड केस होता है, एल्स इफ बीच का केस होता है। सो अगर आपके पास 10 ब्रांचेस हैं, 10 पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपका पहला केस विल ऑलवेज बी इफ एंड योर लास्ट केस विल ऑलवेज बी एल्स, बट बीच के जो आठों केस हैं वो हमेशा रहेगा एल्स इफ, ठीक है। सो वन मोर थिंग, पाइथन में एल्स इफ पूरा नहीं लिखा जाता, पाइथन में उसको एलिफ बोला जाता है, बाकी लैंग्वेजेस में एल्स इफ बोला जाता है। तो जनरली जो टर्म है वो एल्स इफ ही है, बट पाइथन में जब भी आप कोड करोगे यू वुड राइट एलिफ, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक थर्ड कंडीशन इंट्रोड्यूस करनी है इफ और एल्स के बीच में। सो आई विल गो डाउन ओवर हियर बैकस्पेस एंड आई वुड टाइप एलिफ विच इज अ कीवर्ड, और यहां पे मुझे एलिफ में कंडीशन बतानी पड़ती है। मेरा कंडीशन ये होगा कि एलिफ ईमेल इज दिस, हमें ये मेक श्योर करना है कि यूजर ने ईमेल सही बताया, और मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि यूजर ने जो पासवर्ड है वो गलत बताया। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं नॉट ऑपरेटर यूज करूंगा एंड आई वुड राइट दिस। यू कैन क्लियरली सी अब क्या हो रहा है कि आप ये मेक श्योर कर पा रहे हो कि यूजर ने ईमेल सही ही बताया है और पासवर्ड गलत ही बताया है, ठीक है, तभी आप इस ब्रांच में घुसोगे, एलिफ वाले ब्रांच में घुसोगे, ठीक है। अब एलिफ वाले ब्रांच में घुस के जो पहली चीज आप करोगे वो है कि आप एक एरर मैसेज प्रिंट करोगे, आप बोलोगे पासवर्ड इनकरेक्ट। सबसे पहले आप यूजर को हमेशा बताना चाहोगे कि उसकी गलती क्या है, और अब हम उससे दोबारा पासवर्ड मांगेंगे। सो हम लिखेंगे इनपुट पासवर्ड फिर से बोल लाइक दिस, राइट। और जब वो यूजर मुझे फिर से पासवर्ड देगा उसको मैं फिर से पासवर्ड वेरिएबल में ही स्टोर कर लूंगा, राइट। और अब फिर से इस पॉइंट पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि उसने जो नया पासवर्ड दिया वो सही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसने जो नया पासवर्ड दिया वो भी गलत है। सो फिर से ब्रांचिंग हो गया। तो अब आप सोचोगे कि क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, जब भी आपको ब्रांचिंग मिले आप वहां पे इफ एल्स लगा सकते हो। बट यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि हम तो ऑलरेडी इफ एल्स के अंदर हैं, तो मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ एल्स के अंदर आप इफ एल्स लगा सकते हो, और उसको बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर अगर एक इफ एल्स है और उसके अंदर एक और इफ एल्स है उसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे फिर से एक इफ लगा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं इफ पासवर्ड इज इक्वल टू 1234, मतलब अब उसने सही बताया तो मैं प्रिंट करूंगा फाइनली करेक्ट,
else I would print still incorrect. And that's the code, guys. That's the code. ठीक है, एक बार इसको run करते हैं और मैं जानबूझ के अपना email सही बता रहा हूं और अपना password गलत बता रहा हूं. So मेरा email is campusx@gmail.com and my password is this. अब enter मारा, देखो पहले मुझे क्या एक error message आ रहा है जो बोल रहा है कि password incorrect. मैंने फिर से गलत password बताया, अब वो बोल रहा है still incorrect. मैं एक और बार try करता हूं, campusx@gmail.com, पासवर्ड गलत है और इस बार सही है, एंड यू कैन सी दिस इज द एरर मैसेज. यू कैन सी स्क्रैच से आप लॉजिक को कैसे बिल्ड कर रहे हो. इनफैक्ट एक काम करते हैं, एक और ट्राई लेते हैं, एक और लेयर ऑफ इफेक्ट्स लगाते हैं. सो व्हाट इफ आपका मैनेजर अब आपको बोलता है कि यार कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ईमेल बहुत ही गलत है, ईमेल का फॉर्मेट ही गलत है, तो तुम एक काम करो, एक लॉजिक इंप्लीमेंट करो कि जब तक एट द रेट नहीं होगा ईमेल के अंदर, आप मतलब ऑटोमेटिकली आपका कोड बोल देगा कि आपका ईमेल पासवर्ड गलत है. क्योंकि सोच के देखो ना, अगर आपने ईमेल में एट द रेट नहीं डाला तो फिर वो तो एनीवेज कभी भी सही लॉगिन होने का चांस ही नहीं है. तो आपको ये भी डिटेक्ट करना है कि एट द रेट है या नहीं मेरे ईमेल के अंदर. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इस पॉइंट पे ईमेल जहां पे आपने यूजर से लिया उसके बाद एक इफ लगा सकते हो. मैं आपको बताता हूं कैसे. सो मैं क्या कर रहा हूं, इतना कोड कट कर रहा हूं और मैं यहां पे चेक कर रहा हूं, इफ एट द रेट इन ईमेल देन डू समथिंग एल्स प्रिंट ईमेल गलत है सही लिखो, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, और यहां पे जहां पे पास है यहां पे आई विल पेस्ट द एंटायर कोड. ठीक है, बट यू कैन सी मेरा काफी इंडेंटेशन में गड़बड़ हो गया, और इसलिए आप क्या करोगे, आप इफ एट द रेट ईमेल पासवर्ड लिया, हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कोड को एक टैब देना पड़ेगा लाइक दिस, एंड दिस इज द कोड, दिस इज द कोड. अब देखना मैं आपको बताता हूं, अगर मैं शुरू में ही गलती से ईमेल में एट द रेट नहीं डालूंगा तो सीधे मुझे ये वार्निंग आ जाएगी और इतना कोड इवैल्यूएट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट वो मुझसे पासवर्ड भी नहीं मांगेगा, पहले ही गलती मुझे बता देगा. सो ये जो कोड है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट अगर आप इसको खुद से लिखो तो यहाँ पे आपने इफ एल्स का कॉन्सेप्ट कवर किया, आपने एल्स इफ का कॉन्सेप्ट कवर किया, आपने नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट कवर किया. यहाँ पे आपने तीन लेवल पर if else statements use किए हैं. ठीक है, तो this was just an example. अभी हम जैसे जैसे और अंदर जाएंगे इस playlist में, you would see कि हम लोग और बहुत ज्यादा frequently if else statements use करेंगे, because they are quite useful, they are really useful. ठीक है, so that's it. I hope you like the video. Thanks for watching. Bye.